कैसे लगानी है सूट में, आज मैं पट्टी बता रही हूँ लगाना। यहाँ ये 3 इंच की चौड़ाई रखनी है, 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे ना तो ये जो कट आ रहा है ना, इस कट से ऐसे ऐसे लगाएंगे और नीचे की तरफ से लगाएंगे, इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ से लगाएंगे और ऊपर फोल्ड करेंगे, इस तरह से लगा देंगे यहाँ से बिल्कुल इस तरह से ऐसे और इस तरह से। मैंने क्या करा, यहाँ कट से लेकर के नीचे से इसको 3 इंच की पट्टी करके नीचे से मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं इसको ऐसे करके इतना इतना फोल्ड कर रही हूँ और इसके ऊपर इस तरह से लगा रही हूँ, ऐसे ऊपर फोल्ड करनी है पट्टी को, जैसे अपने जहाँ तक अपनी सिलाई आ रही है ना केवल वहीं तक ही रखना है, इस तरह से। अब इतना फोल्ड कर दूंगी और जहाँ सिलाई आ रही है वहीं पर रख दूंगी, बस इस तरह से ऐसे। दूसरी पट्टी को भी नीचे से फोल्ड, नीचे से लगा करके ऊपर फोल्ड कर देंगे, इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे, नीचे से लगा करके ऊपर फोल्ड कर देंगे और ये वाला कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, तीन ये जो कट आ रहा है इस कट के बराबर तो सिलाई कर देंगे यहाँ पर ऐसे यहाँ तक, और इसको 2.5 इंच नीचे लंबा रखेंगे, इतना 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 लंबा रखेंगे, सुई को अंदर ही रखेंगे, सुई को अंदर रख करके एक सेकेंड इसको निकापस नीचे से लगा करके ऊपर फोल्ड कर देंगे पट्टी को। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, लेकिन ये नीचे आगे का ये हिस्सा ज़्यादा रखना है, 2.5-3 इंच ज़्यादा रखेंगे इसको। इसको ऐसे रखने के बाद में इसको इस तरह से करना है और इसको इस तरह से जमाना है, इधर से यहाँ से जमाएंगे, इधर से इधर से जमाएंगे, ऐसे जमाने के बाद में फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, इस तरह से ऐसे करने के बाद, और इसको फिर इस पट्टी के ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा ऐसे फिनिशिंग से, इस तरह से करने के बाद में यहाँ ऐसे करने के बाद में इसका थोड़ा सा और कटेगा ये इतना, और यहाँ से ऐसे करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर दो बस इस तरह से। तरह से करेंगे इसको, ऐसे डिजाइन्स दे देंगे आगे की तरफ इस तरह से, ऐसे क्रॉस का ऐसे बना देंगे। वो आपकी इच्छा है बनाओ तो ठीक है, नहीं कोई नहीं, इस तरह से भी मशीन चला सकते हैं। और वापस अब इस किनारे पर मशीन चलाएंगे वापस से, ये किनारी को इस तरह से करके इस पर मशीन चला देंगे एक बार और, आएगी आगे की पट्टी इस तरह से ऐसे।